वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में केएसपी ऑफ दिस कंपाउंड मांगा है, इसका सॉल्युबिलिटी एक्स मोल पर लीटर दिया हुआ है। तो हम लोग केएसपी निकालने के लिए पहले इसका सॉल्युबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे, तो हो जाएगा क्या, के प्लस सेपरेट हो जाएगा, के प्लस एक्वस, एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाएगा, Al3 प्लस एक्वस एंड 2SO4 टू माइनस एक्वस, दो SO4 क्रिएट होगा ना, SO4 टू माइनस। नाउ सॉल्युबिलिटी दिया हुआ x, तो जब ये एक्वस आयंस बनाएगा तो पानी में ये कितना होगा x मोल्स पर लीटर, ये कितना होगा x मोल्स पर लीटर, और ये कितना हो जाएगा 2x मोल्स पर लीटर एट इक्विलिब्रियम। अब करना क्या है, केएसपी लिखना है, तो केएसपी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस, SO4 टू माइनस का कंसंट्रेशन में स्क्वायर लगाएंगे। सो अब प्लेस करना है x इंटू 2x का होल स्क्वायर, क्या आने वाला है, x स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4x का पावर 4 आ रहा है मेरा। सो दिस इज द केएसपी ऑफ दिस। ये ध्यान दें, ये आपका बेसिकली पोटाश एलम का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये आपका पोटाश एलम का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। इसका पूछा है तो इसी का लिखेंगे, पोटाश एलम का मॉलिक्यूलर फार्मूला के एसपी नहीं बता के आना है, पोटाश एलम के टू एस ओ फोर डॉट एल टू एस ओ फोर होल थ्राइस होता है ना, वाटर हाइड्रेशन वाटर नहीं लिखे। तो बेसिकली ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ये दे दिया है ना इसका, तो इसी का केएसपी निकालिए, इसका केएसपी निकालेंगे तो अलग आता है, ठीक है। आंसर है 4x4। थैंक यू।